क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिलाते 4 गिरफ्तार। जबलपुर में सटोरियों के कब्जे से नगद 1.5 लाख मोबाइल भी किए जब्त। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार। मदन महल थाना क्षेत्र में स्थित मदन लाल गुलजार होटल के पीछे ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपियों को पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए नगद और करोड़ों रुपए का हिसाब किताब मिला है। वहीं आरोपियों के पास से मिले मोबाइलों के आधार पर उनके ग्राहकों एवं ऑनलाइन लाइन देने वालों की पता साझी की जा रही है। पुलिस ने घेराबंदी कर स्टोरियों को पकड़ा। कार्रवाई एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश के बाद की गई। कोतवाली सीएसपी प्रभात शुक्ला के मुताबिक ब्रांच शुक्ला ने की क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली की महानंदा गुलजार होटल के पीछे सनी नागपाल अपने घर से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करता है और अपने गुर्गों को आईडी सूचना पर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए दबिश दी। दबिश के दौरान आरोपी सनी नागपाल सहजपुर भेड़ाघाट निवासी गोपाल श्रीनिवास आजाद वार्ड दी कमलेश कुमार चौधरी और सहजपुर भेड़ाघाट निवासी राजेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार किया। आरोपी सनी से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि वह डायमंड सुपर और अन एक्सचेंज के माध्यम से आईडी प्रोवाइड कराकर क्रिकेट सट्टा संचालित करता था। आरोपियों के पास से पुलिस ने 8 मोबाइल और 11,45,000 रुपए नगद जब्त किया। तो उसमें क्राइम ब्रांच को मदन महल थाने की टीम बनाकर दबिश दी गई। तो वहाँ पे सनी नागपाल 28 साल का युवक है, वो मोबाइल से क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा रुपये का हर जीत का दाम लगा के खिलवाते हुए पाया गया। उसके साथ 3 अन्य व्यक्ति और मिले। इन तीनों के साथ उनके जब तलाशी ली गई और 8 मोबाइल फ़ोन जब्त हुए उनके पास से, और जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 11,45,000 रुपये नगद ही मिले, जो कि हारे हुए लोगों के पैसे थे।